आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? पीछे कहाँ से हैं? हम यहाँ के हैं। जलंधर के हैं? हम पाकिस्तान से आए। पाकिस्तान में कहाँ से? जिला सियालकोट। हम 1946 में यहाँ पर आए थे। हमारा पाकिस्तान रावलपिंडी में था। पाकिस्तान से यहाँ से आए थे, वो सियालकोट से बेसिकली। तो आप लोग भी पार्टीशन के बाद यहाँ आए? हाँ जी, ये पाकिस्तान से आए थे जी, फैमिली आई थी पाकिस्तान से। मेरे परदादा जी पाकिस्तान से ही आए थे, वो थे गुजरांवाला। और इसके बाद ये वाला आ जाता है ड्राई फ्रूट वाला पतीसा, ठीक है। देन आया देसी घी विद ड्राई फ्रूट, बाकी फिर आ जाए शुगर फ्री पतीसा, देन सोन पापड़ी, और लास्ट में फिर आ जाता है वनीला पतीसा। वनीला पतीसा? हाँ, वनीला, वनीला फ्लेवर में। और कितनी पुरानी दुकान है ये? ये 1947 से, जस्ट आफ्टर पार्टीशन, जब मेरे दादाजी वहाँ से पाकिस्तान से यहाँ से आए थे, वो सियालकोट से बेसिकली। तो जब वो यहाँ से आए तो उन्होंने यहाँ पे, वहाँ पे उनका पकौड़े का काम था, पकौड़े बनाते थे। यहाँ पे भी आके उन्होंने पकौड़े का ही काम स्टार्ट किया था। ऑन दैट टाइम जो शुगर है, शुगर वो स्लॉट्स में मिलती थी, जस्ट लाइक जिसमें पंजाबी में बोलते कोटे में। तो कोटा क्या था, जो शुगर है ना वो शॉप पे पड़ी रहती थी, जितनी घर पे जरूरत थी उतनी घर पे ले जाते थे, बाकी शॉप पे पड़ी रहती थी। ऑन दैट टाइम एक शॉप वाले ने, जो हमारे बिल्कुल पास था, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने इंस्पेक्टर को कॉल करके बोल दिया कि ये जो शुगर है घर पे यूज़ नहीं करते, ये ब्लैक में सेल कर देते हैं। तो मेरे दादाजी काफ़ी हसमुख थे, और जब तो इंस्पेक्टर उनसे उनके आगे बात की तो उन्होंने बोला कि आप ये शुगर का, आपका बोला कि आप शुगर जो आपको कोटे में मिलती है आप उसको सेल कर देते हो, घर पे यूज़ नहीं करते। कह रहे मेरे जितनी घर पे यूज़ होती है मैं ले जाता हूँ, बाकी मेरी शॉप पे पड़ी रहती है। तो वो कह रहे कि हमें जब भी शॉप पे आए हमें कुछ ना कुछ स्वीट मिलना चाहिए, हम बोलेंगे कि आप जितनी घर पे यूज़ करते हो घर पे यूज़ कर लेते हो, बाकी जो शॉप पे है वो यूज़ कर लेते हैं। तो ऑन दैट टाइम बेसन का वो जो पकौड़े बनाते थे, तो पता नहीं उनके मन में क्या आया, बस सारा दिन परमात्मा का नाम लेते थे और अपना करते 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 उन्होंने ये पतीसा बना दिया। ऑन वेरी फर्स्ट डे जब वो बना, तब जब ये बेसन को हम भूनते हैं तो इसकी एक महक बहुत अच्छी उठती है। तो जितने भी आस पड़ोस में शॉप्स वाले थे, अब जब उनके पास वो सारी महक गई तो उन्होंने बोला कि आज क्या बना रहे हो, कि आज से पहले ये वाली महक तो आई नहीं है। कह रहे वो मेरे को ना कोई आए थे सज्जन, उन्होंने बोला कि मेरे को कुछ ना कुछ स्वीट चाहिए यहाँ पे, तो मैंने ये बनाया। तो कह रहे क्या बनाया दिखाओ, तो वो बन गया पतीसा। तो जब वो उन्होंने सबको टेस्ट करवाया, साथ वाले सबको बहुत अच्छा लगा, सब ने अपने अपनी क्वांटिटी 250-300 ग्राम ऑन दैट टाइम है ना, चौथी थी इतनी, तो वो ले गए। तो वो एक जो थाल बना था ऑन वेरी फर्स्ट फ्यू मिनट्स में ही वो ख़त्म हो गया, तो उन्होंने बोला कि ये और बना दो, और उसके बाद पकौड़े का काम छोड़ गए दादाजी ने हमेशा के लिए, पतीसा शुरू किया। और फिर धीरे 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 बाकी स्वीट्स भी चलती रही। अब हम थर्ड जनरेशन है तो हमने बाकी की और भी वैरायटी को इंक्रीज़ किया। इसमें एक कहावत कह जाती है जिसको पंजाबी में बोलते हैं कि कुब्बे को लत मारी कुब्बा सीधा हो गया, मतलब उसने अपनी तरफ से कंप्लेंट किया है दादाजी को, वो अच्छे लगे उनके लिए फल हो गई। चलिए सर अब टेस्ट किया जाए। सर मुंह में जाते ही गायब ना, भूल गया, भूल जाता। और ये इनका स्पेशल देसी घी वाला है। कितना सॉफ्ट है, हाँ। बहुत बढ़िया, दोनों पति से ट्राई किए, देसी घी का भी और वनीला का भी, दोनों बहुत ही उम्दा है। मुझे हालांकि ज़्यादा पसंद आया देसी घी वाला, जो एक क्लासिक टेस्ट होता है पतीसा का, मुंह में जाते ही घुल गया। और अलग अलग परत, देसी घी का बहुत ही उम्दा जायका, साथ में बादाम और पिस्ता भी। चलिए सर थैंक यू, और जाते जाते हम पतीसा पैक करा के भी ले जा रहे हैं। चलिए धन्यवाद।
क्या बात है, गर्मा गर्म कुलचे और छोले। पैंतीस साल हो गए यही काम करते थे। आप ही का नाम दीना नाथ है? नहीं, मैं उनका भतीजा हूँ, वो भी इस टाइम फिलहाल गाँव में है। कहाँ, कौन से गाँव में? बरेली। तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं आप लोग? सुबह कितने बजे आ जाते हैं? 9 बजे। और कितने बजे तक रहते हैं? 5 बजे। मतलब लोग ब्रेकफास्ट में भी खाते हैं, लंच में भी खाते हैं और शाम में भी ऐसा नाश्ते में खा के जाते हैं। मतलब अपने दिल्ली में जाएंगे ना, वहाँ पर मैक्सिमम जगहों पर कुलचे से मटरा मिलता है। मटरा कुलचा बोलते हैं, पर इनकी स्पेशल है, कोई मटरा नहीं है, सिर्फ छोले हैं। सिर्फ छोले, और छोले में सिर्फ बॉयल्ड हैं। बॉयल्ड हैं, मतलब वैसा वाला छोले नहीं है जो मसालों में पक के आया हुआ है। नहीं नहीं, बॉयल्ड छोले, उसके साथ प्याज टमाटर और आपके सामने उन्होंने मसाले डाले हैं। बहुत ही सॉफ्ट कुलचा है और चटपटे छोले। मैंने अपने लिए कस्टमाइज करवाया है हल्के मसाले के साथ, इमली का बहुत अच्छा जायका है, साथ में प्याज टमाटर, चाट मसाला, लाल मिर्च और नमक। चला जाए ठीक है छतराल जी, धन्यवाद। रास्ते में बताते हुए आ रहा था, मैंने दो जगह कतलम्बे खाए, एक देहरादून में खाए पल्टन बाजार में, आपको पूरी भी खिलाते और एक निजामुद्दीन में खाए। मेरा बड़ा मन था देखने का कि यहाँ कतलम्बे कैसे मिलते हैं। बेसिकली पाकिस्तानी आइटम। जी जी, ये कतलम्बे हैं, इसका प्रोसेस बड़ा लंबा है। इसकी जो डो है, इसका जो मैदा लगाते हैं वो सुबह 5:30 बजे लगाते हैं और रात को बनाते बनाते 10 बज जाते हैं। तो ये डिश है पाकिस्तान की? ये पाकिस्तानी डिश है, ये नमकीन होता है, कतलम्बा है ये पूरा पीस, और इसको हलवे के साथ मिक्स करके खाते हैं। अब कितने साल हो गए सर आपके शॉप के? वी आर अ थर्ड जनरेशन रनिंग ए सेम बिजनेस। तो आप लोग भी पार्टीशन के बाद यहाँ आए? हाँ जी, मेरे ग्रैंडफादर थे वहाँ से, वहाँ भी यही काम था आपका? वहाँ भी यही था, लाकर लम्मा बनाते थे। मैं एक शादी में था, हमारा कड़ा कतलमे का स्टॉल लगा था, तो वहाँ पे एक काफ़ी बुजुर्ग थे, आई थिंक ही वर 92 ईयर्स ओल्ड, उन्होंने कड़ा कतलमा ट्राई किया, तो ही हैड 3 टाइम्स, फोर्थ टाइम हैज आस्क्ड फॉर द गाइस स्टैंडिंग इन साइड द काउंटर, एंड उन्होंने पूछा ये किसने बनाया, तो मैं बाहर की तरफ खड़ा था, मैं उनको देख रहा था लगातार, फिर मैंने उनसे पूछा भी अच्छा नहीं बना ये, तो उन्होंने कहा बनया था यार वधिया आया, बनाया कि नहीं, मैं कह जी मैं बनाया, कहते की कहते इनू तुसी, मैं कहा इनू जी कड़ा कतलम्मा कहते, कहते तू उल्टा नाम लै रहे हैं, मैं कहा वह किदा जी, कहते इनू कतलम्मा कड़ा कहते हैं, मैं क्या थोड़ा दसो मैनू, कहते ये ना साडे पाकिस्तान गुजरां वाले दे विच जैन चौंक से उत्थे बाबा बूढ़ी लांदा हुंदा सी, टॉकिंग अबाउट माई ग्रैंडफादर, हिज नेम इज़ द बूढ़ा मल, मैं आई वाज शॉक्ड दैट टाइम, मैंने उनको कहा जी वो मेरे दादाजी हैं, तो वो भी थोड़ा सा देखे भी इतना पुराना, मैंने सोचा यही टेस्ट है, फिर मैंने उनसे बातें की, थोड़ा सा पूछा, फिर उन्होंने थोड़ा सा और ट्राई किया, फिर उन्होंने बोला जब वो लेके आते थे तो वो आवाज़ लगाते थे कतलम्मा कड़ा गरम, इसलिए मैंने पूछा भी आप इसको कड़ा कतलम्मा क्यों बोल रहे हो, तो फिर मैंने घर आके बताया, फादर साहब ने बोला भी हाँ वो बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, ऐसा ही था। देखिए ये सब फूड मेमोरीज हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आप ट्राई कीजिए, आपकी वो मेमोरी ठंडी हो रही है। बिल्कुल, थैंक यू जी, बहुत ही उम्दा। देखिए असल स्वाद तो पुराने शहर में ही आता है। बिल्कुल जी, है बाकी बहुत स्वाद है। थैंक यू जी, बहुत बढ़िया। अब आपको कड़ा कतलम्मा खिलाते हैं। हाँ, कतलम्मा कड़ा धन्यवाद। ये है कतलम्बा और हलवा के साथ मिक्स करके खाइए, सूजी का हलवा काढ़ा, इसके साथ मिक्स करके खाइए। ये कितना थिन वेफरी
ऐसा टेक्सचर है इसका, सॉल्टीनेस और स्वीटनेस। लेकिन इसका टेक्सचर थोड़ा ऐसे कड़क खस्ता ही रहता है। हाँ जी, ये ऐसे ही रहता है। हाँ, आपने इतने अच्छे से हमें अपने शॉप के बारे में बताया और साथ साथ इतना उम्दा पूरी सब्जी कतलम्बा और कड़ा सब चखवाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केसर पिस्ता कुल्फ़ी, साथ में फलूदा, रबड़ी, ड्राई फ्रूट्स और रोज़ सिरप। हम 1946 में यहाँ पर आए थे, हमारा पाकिस्तान रावलपिंडी में था, वहाँ पे हमारा होता था रोज़ थिएटर, वहाँ उस कैंटीन में हमारी कुल्फ़ी होती थी। उसके बाद जब पार्टीशन से पहले हम यहाँ पर आ गए थे, ड्यू टू फैमिली सर्कमस्टांसेस की यहाँ पे लड़ाई झगड़े वहाँ पे बहुत हो रहे थे कि हिंदू मुस्लिम वगैरह ये, तो हम फिर यहाँ आ गए थे 1946 में। मेरे ग्रैंडपा ने सबसे पहली हमारी दुकान, ये चौथी दुकान है हमारी, सबसे छोटी दुकान उधर है, आप देखेंगे ना उधर छोटी सी दुकान है, हमें अलॉट हुई थी सबसे पहले 1946 में। फिर जैसे मेरे फोर फादर्स ने, मेरे ग्रैंडपा ने मेहनत करके एक दो तीन, ये चौथी दुकान हमने ली। उसके बाद कुल्फ़ी का बनाने का मकसद है मिठास, मिठास का मतलब है खुशी। मेरे फादर की सोच थी किसी को खुश करना हो तो मीठा दो, अगला खुश होता है। तो पाकिस्तान के टाइम से ये हमारी बल्कि कुल्फ़ी बहुत फेमस थी, अभी तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छा नाम है। ये सब हार्डवर्क मेरे फादर का, मेरे फोर फादर्स का किया हुआ, हम तो सिर्फ आके बैठे हैं। और कौन से फ्लेवर्स की कुल्फ़ी मिलती है? एक तो रबड़ी केसर पिस्ता हो गया, एक तो हमारा है केसर पिस्ता कुल्फ़ी, एक है बादाम कुल्फ़ी, स्टिक कुल्फ़ी, चोको कुल्फ़ी। हमारे पास हमारे वी डोंट ऐड कलर्स, वी आर सिंपल ऑर्गेनिक बिल्कुल। हम दूध, मेवा, बादाम, किशमिश ये यूज़ करते हैं, हम कोई कलर नहीं ऐड करते, कुछ नहीं करते हैं। जैसे लोग करते हैं पान कुल्फ़ी ये फ्लेवर, वी डोंट यूज़ फ्लेवर, जो है नेचुरल है, ओरिजिनल है, नेचुरल फ्लेवर आ रही है, आपको टेस्ट आ रहा होगा। आप सुबह हमारी कुल्फ़ी खाओगे तो सारी दिहाड़ी, इवन अ लॉन्ग डे यू हैव द टेस्ट इन योर माउथ, यू नो। मतलब यहाँ पे जलंधर में देखा जाए तो काफ़ी लोग पार्टीशन के बाद यहाँ आके बसे। कभी आप जाओ ना पाकिस्तान, जैसे मेरे अभी वहाँ पे खुला है जब गुरुद्वारा साहब करतारपुर में, मेरे रिश्तेदार, मेरे फ्रेंड सर्कल गए तो उन्होंने बताया कि इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला, ज़बरदस्ती खींच खींच के मेरे साथ फ़ोटो खिंचाओ। मेरे तो आप जलंधर से हो, पंजाब से हो, जलंधर कैसा है, प्लान कैसा है, वो पहला उतर ऐदा हों, अज भी उतर इदा ही, अज भी बल्कि दे आर नॉट क्रेजी, बात करो इमोशंस अभी भी उनके इतने हैं, वो नहीं चाहते ये हो, वो आ चाहते दीवार उठाई जाए, भी हम सब एक हो जाए, इकट्ठे हो जाए। चलिए सर, थैंक यू, थैंक यू, बाय। आपका नाम क्या हुआ सर? आपका नाम? हमारा नाम, हमारा नाम अजय लाल है, और भाई साहब उनका नाम गोपाल दास है। तो कितने साल पुरानी दुकान है आपकी? 1950 का दाल है ये, माँ की दाल है। हाँ जी, ये माँ उड़द की दाल। हाँ। कितने घंटे पकती है ये? 3-4 घंटे लग जाते हैं। ये लकड़ी के चूल्हे में पकड़ी है। हाँ, नीचे के हाँ। और इसको बर्तन को क्या बोलते हैं? ये पर्थ का बर्तन होता है, पर्थ का मिला जुला पित्तल का पर्थ का, ये सबसे बढ़िया होता है, इसे गर्म रहता है। अच्छा, और ये इसमें पकाते भी हैं, रखते भी हैं। हम इसको पड़े पड़े रहेंगे, धीरे 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 बनता रहेगा, पकता रहेगा, जितना बनेगा उतना बढ़िया बनेगा, जितना पकेगा उतना स्वाद आएगा। देसी घी से फ्राई करेंगे, देसी घी तड़का लगा देंगे। हाँ हैं, और साथ में खाएंगे परौठे। हाँ, पराठा भी देसी घी का तंदूरी पराठा होता है। क्या बात, हमारे लिए लगा दीजिए एक प्लेट दाल और एक परौठा। रोज आते हैं आप? रोज? हाँ। कितने में दुकान खोलते हैं अपनी? हम तो 9 बजे खोल के तैयारी के 12 बजे तो। और सिर्फ लंच लंच होता है कि रात का खाना भी होता है? रात का खाना होता है? नहीं, रात को रात का 9 बजे बंद कर देते हैं, मतलब दोपहर का खाना और रात का खाना मिलता है। हाँ, चलता ही जाता है। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं, पीछे कहाँ से हैं?
हम यहाँ के हैं। जलंधर के हैं? हम पाकिस्तान से आए। पाकिस्तान में कहाँ से? जिला सियालकोट। जिला सियालकोट। सियालकोट से आए, जहाँ से वो आए आपके पतीसे वाले दिलबागी, वो भी सियालकोट से आए। अच्छा। हाँ, हमारे पिताजी लाहौर में काम करते थे, यही चला यहाँ भी करते थे, तो फिर हम भी आए। वहाँ भी ढाबा था। मतलब आप देखिए जलंधर में कितने लोग पाकिस्तान से आके यहाँ पे बसे। हम अभी तक जितनी जगहों पे भी गए हैं, कोई सियालकोट से आया है, कोई रावलपिंडी से आया है, तो कोई गुजरावाला से आया है, और लोगों ने आके अपनी लाइवलीहुड शुरू की यहाँ पे, बिल्कुल स्क्रैच से काम धाम शुरू किया, और आज जलंधर के एक खान पान का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। तो यहाँ पे बर्फी, पेड़ा, पेड़ा। ये देखने में ऐसा लग रहा है मक्खन है, सफ़ेद मक्खन है, लेकिन है ये पेड़ा, खोए का पेड़ा। जैसे बर्फी होती है, शेप पेड़े का दिया हुआ है, सॉफ्ट है बहुत, हाँ एकदम थिक मलाई की परत ऊपर। लस्सी बहुत पसंद करते हैं पंजाब में, हाँ लस्सी ट्रेडिशनल ड्रिंक है पंजाब की। अभी आप सर्दियों में आओगे तो मक्की की रोटी सरसों के साथ, मूली, प्याज और साथ में लस्सी। असल तरीका पीने का ऐसे है जैसे अंकल जी पी रहे हैं, बड़े से डिस्पोजेबल ग्लास में भी है। हाँ, बड़े से सीधे ग्लास में लस्सी में अगर चीनी कम होगी तो जय। हाँ वो लस्सी तो पीने का मज़ा मीठे में ही आता है, फीकी लस्सी मज़ा नहीं आती। चले अब वहाँ पे हमारे माँ की दाल और परोठे तैयार हो गए, अब वो खाया जाए। आप तो बहुत मेहनती हैं। नहीं नहीं कोई बात है, मतलब इस उम्र में भी आप काम कर रहे हैं, अभी तो आपके आराम करने की उम्र है। इंसान जो है ना काम करते अच्छे लगते, जितना चलता फिरता रहेगा उतना ठीक है। ये बात भी सही है, ऐसे तो भी ठीक रहती है, ये पेट की खातिर करना ही पड़ता है। देख लीजिए मदन लाल जी की उम्र 80 साल है और आज भी अपने दुकान पे रोज आते हैं, और आप देख सकते हैं दाल पका रहे थे, अभी आटा गूंद रहे हैं, और इनका कहना है कि काम करते रहना चाहिए। चलती का नाम गाड़ी है, चलती का नाम गाड़ी है, बिल्कुल सही है। ठीक है। तंदूरी परोठा? हाँ जी। देसी घी में? देसी घी का होता है परांठा, देसी घी की दाल होती है, देसी घी की रोटी होती है, सब्जी दूसरा भी होता है देसी घी का। ये देसी घी और प्याज, अरे वाह क्या बात है, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा तड़का लगते हैं मैंने कहीं नहीं देखा है। ये शुरू से ऐसे ही लगाते हैं यहाँ पे? हाँ जी। अच्छा जी, हमारे पिताजी पहले लाहौर में काम करते थे, वहीं भी ऐसे काम करते हैं। ये भी पाकिस्तान से ही है। तो ये आपके बड़े भाई साहब हैं? हाँ जी। अच्छा, ये लाल मिर्च डाल दी। यह तंदूरी दाल तड़का और तंदूर में पकाया गया लच्छा परोठा
साथ में सैलेड, देसी घी का पराठा, देसी घी की दाल जी। तो ये जो दाल है जिसको हम लोग माँ की दाल बोलते हैं, ये उड़द दाल है और काली दाल भी इसको बोलते हैं बहुत लोग। और ये है लच्छा पराठा जिसमें अलग अलग परत है। एक जब भी माँ की दाल खाता हूँ तो मैं मम्मी मुझे पूछा बोलती है, दिन में स्वादी रात में वादी। अच्छा। मतलब जो उड़द की दाल है वो दिन में खानी चाहिए। हाँ, वो तो है। दाल वैसे भी दिन में ही खानी चाहिए दोपहर के टाइम। हाँ। उसको डाइजेशन में जैसे होता है ना, ये मूंग की दाल है आप रात में पसंद करते हैं खाना हल्का होता है, तो उड़द की दाल हो गया, राजमा हो गया, छोले हो गए, जबकि लोग दिन में खाते हैं। मैं तो मदन लाल जी का फैन हो गया। और लगा है? बस जी, धन्यवाद। अरे सर, मतलब आपको देख के खाने के लिए रुक गया यहाँ पे। सही में, सच्ची में। और बहुत अच्छा लगा। जो ढाबे में खाने खाने का मज़ा है वो पंजाब में ही है। हैं? थैंक यू मदन लाल जी, बहुत मज़ा आया। इतने प्यार से आपने खाना खिलाया, उतना पूरे जंदर में किसी ने नहीं खिलाया। ठंडा ठंडा पी लो। हैं? ठंडा ठंडा पी लो। बस जी धन्यवाद। आप क्या बताइए, कितने पुरानी दुकान है? 1947 से दुकान है ये, और अभी ये चौथी पीढ़ी है इनकी। तो पीछे रहने वाले कहाँ से हैं? ये पाकिस्तान से आए थे जी, फैमिली आई थी पाकिस्तान से, जब पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान से आए थे, और आने के बाद इनके ये ट्रिब्यून में जो छोटी दाल है इनके फादर साहब ने लगाई थी ये दुकान। तो ये दाल की जलेबी है जिसमें मूँग दाल और साथ में मैदा दोनों मिला के इसको बनाया जाता है। इसका बैटर बनाया, फिर घी में फ्राई किया और फिर चाशनी में डाल दिया। और काफ़ी पतली पतली जलेबी बनाई है इन्होंने। देखिए शुरू किया जाए। हमारे घर ये बहुत फेमस है, और ये तो हम दिवाली पे दो तरह के प्रसाद बनते हैं हमारी पूजा के बाद। एक सूखे चने का तो प्रसाद, काले चने का, और एक हम लोग तो, मैं 21 ईयर्स में लगता है 21 ईयर्स से यहाँ से जलेबी आती है, सोती की जलेबी, मोटी मोटी ठंडे दूध में डाल के उसको रख देते हैं 2 मिनट के लिए और फिर वो खाते हैं। तो ये दो तरह के प्रसाद रहते हैं, एक जलेबी दूध का प्रसाद और एक चने का प्रसाद, जो हम दिवाली पर खाते ही खाते हैं। तो ये फीकी जलेबी लेते हैं कि? नहीं नहीं नहीं, मीठी जलेबी, फीका दूध, ठंडा बिल्कुल फीका दूध और मीठी जलेबी। तो इसका जो थोड़ा रस होता है वो दूध में मिक्स हो जाता है, तो ठंडे दूध में गर्म गर्म जलेबी। ये तो है जलेबी खाने का मज़ा, दूध के साथ या रबड़ी के साथ, आइसक्रीम के साथ भी बहुत अच्छी लगती है ये। साथ भी बहुत मज़ा आता है खाने में। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। हम लोग पीछे रहने वाले कहाँ से हैं? हम लोग सिटी जलंधर के ही। मैं आपके ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे परदादा जी पाकिस्तान से ही आए, वो थे गुजरांवाला, तो वो लोग वहाँ से आए थे। तो 1924 में शॉप ली थी रेंट पे उन्होंने जीटी रोड पे, तो वहाँ पे उन्होंने चाय का काम शुरू किया, तो बहुत अच्छा काम चला था, बहुत बढ़िया चला था। तो लेकिन वक्त गुजरता गया, काम भी कम हुए, परिवार वाले भी अलग अलग होते रहे, तो काफ़ी मुश्किलें भी आई हमारे। फिर एक दिन ऐसा आया कि वो शॉप भी हमें छोड़नी पड़ गई। कोई बात नहीं, लेकिन आप शॉप कहीं भी ले, स्वाद है वो लोगों को खींच के ले आता है। बिल्कुल ले आए, लेकिन वही चीज़ हमें बचा गई कि तुम जिन्ना मर्जी अपना जिसे मर्जी चले जाओ, जो थोड़े को अपना क्वालिटी हैगी है तो तुम कस्टमर जरा आप ही लग लेगा। जी जी बिल्कुल सही। और हमने तो नैना रास्ते में बताते हुए आई थी, आपके यहाँ मिलते हैं कलर्ड पराठे। हाँ जी, पेपर थिन कलर्ड पराठे, ऑर्गेनिक कलर पेपर पराठा। तो वो हमें आप खिलाइए, और साथ में कुछ ऐसी चीज़ जो आपके पुराने ढाबे में जो मिलती थी
और वो अभी तक लोग यहाँ खाने के लिए आते हैं। बिल्कुल, वो भी शाही पनीर जरूर खाएंगे आप। शाही पनीर और वो बहुत अच्छी रेसिपी है, वो हमारे फादर साहब की रेसिपी है, तो वो आपको खिलाते हैं और साथ में ऑर्गेनिक कलर पेपर बोंडे खिलाएंगे। वो भी हमारी न्यू इन्वेंशन है, बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत हेल्दी फूड है, यानी कोई सिंथेटिक फूड कलर यूज़ नहीं कर रहे हैं, सब्जियों से कलर लिए हैं, उससे बने। चलिए सर, बनाया जाए। और यहाँ बनाई जा रही है शाही पनीर, रिफाइंड डाला गया और रिफाइंड ऑयल डाला गया, और उसके बाद फिर जीरा, प्याज, टमाटर, प्याज और टमाटर का, अदरक लहसुन। हाँ, ये अदरक लहसुन की पेस्ट हम लोग अलग से रखते हैं। ये लाल मिर्च, हल्दी, किचन किंग, मीट मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और पनीर डाल दो। तो ये बन रहा है पेपर थिन ऑर्गेनिक पराठा, है ऑर्गेनिक कलर पेपर, ऑर्गेनिक कलर। तो ये है हमारा शाही पनीर, ये इनका ऑर्गेनिक कलर्ड पेपर थिन अनियन पराठा है, और ये दो कलर के हैं, जो ग्रीन वाला है वो मेथी से है, ये बीटरूट से है। तो ये मेथी का जूस, बीटरूट का जूस निकाल के डो में मिलाते हैं और उसके बाद फिर पराठा बनाते हैं। और कितना लंबा पराठा है देखिए आप, डोसे जैसा। हाँ हाँ, पहले पराठा खुद से ट्राई करते हैं। जैसे घी में तैयार हुआ है, हाँ खूब सारे में देसी घी डाला है, और पराठा बिल्कुल पतला है, है? पेपर जैसा। अगर इसको आप नहीं बताएं तो किसी को लगेगा कि रवा डोसा है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये सही चीज़ है, जो फूड है कैसे कैसे इवॉल्व हो रहा है हर जगह पे। अब देखिए पराठा भी नॉर्मल होता था, ज़्यादा अजवाइन का पराठा, नमक का पराठा, प्याज का पराठा, फिर स्टफ पराठे हुए, और अब देखिए जो पराठे का डो है, मतलब स्टफिंग में एक्सपेरिमेंटेशन होती थी, अब डो में एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है। क्या ज़बरदस्त शाही पनीर है, प्रॉपर मसालों का स्वाद, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर, मुझे शाही पनीर बहुत पसंद आई। मतलब हर जगह पे जो शाही पनीर दिखा है मैंने, वो एक ऑरेंज कलर की ग्रेवी होती है और बिल्कुल घुटी भी टाइप, और उसमें वो स्वाद नहीं आता है, बहुत मीठा, एकदम मीठी ग्रेवी होती है। ये मीठी ग्रेवी नहीं है, है? और ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है। स्पाइसी भी नहीं है। ये आ गया पावा। नमस्कार जी, ये हमारे यहाँ का बहुत फेमस जगह है पावा, इनकी कुल्फी और सॉफ्टी और ये बंटा लेमन बहुत फेमस है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। बिल्कुल मसालेदार और नींबू और रिफ्रेशिंग, काफ़ी अच्छा दिन रहा हमारा आज का। हम कई जगहों पे जलंधर में गए, ओल्ड सिटी का फूड टूर किया, ओल्ड सिटी देखी, आज हमने जलंधर के अंदर बाजार कैसे होते हैं, सब कुछ पुरानी चीज़ों को एक्सप्लोर किया, बिल्कुल क्लासिक और ट्रेडिशनल। बिल्कुल, तो नैना तुहाड़ा बहुत बहुत धन्यवाद, तुसी बहुत चंगा फूड टूर कराया सी। मैनू आप बहुत चंगा लगा तुहाडे नाल फूड टूर करके, आई एम ग्लैड मैनू यह ऑपरचुनिटी मिली कि मैं तुहाडे नाल फूड टूर किया जलंधर का, तो वो चीज़ों को एक्सप्लोर किया जो मैं भी नहीं किया सी अंदर जाके बाजार में प्रॉपर ट्रेडिशनल फूड। तो होपिंग टू सी यू सून, और तुहाडे नाल दोबारा तो फूड टूर करन दी वेट है। बिल्कुल, असि फिर आवांगे। बिल्कुल, आई लव टू हैव यू हियर। थैंक यू।